यहाँ लगाना है वॉलपेपर जो बचा हुआ है। चिड़िया जा चुकी है अपने बच्चों को लेकर के ना, वो देखो खाली हो गया अब उसका आशियाना। पहुंच तक पेचा ने पौना ही कढ़ने, वो तो निकल जाएगा पर सोफे को करना पड़ेगा ना, तब जाके मैं। चलो हम लगा लेते हैं इसको, फिर दिखाते हैं आपको चिड़िया घर क्या बढ़िया बनाया होता है ये। कितना सुंदर बनाया ना, गोल गोल शान मिट्टू वो सामने भी नहीं सकता। अच्छा अच्छा रहने दो, इतना अच्छा बनाया हो ना, इतने दे ही है अगले बार अभी काम आई जाने दिन। अरे इतना प्यारा बनाया ना, गोल 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 गोल। ये यहाँ पे बैठते थे वो सारे बच्चे कच्चे। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रेमेडी बालों को काला करने के लिए, प्लस आपके बालों को लंबा काला घना बनाती है। तो आप पूछते हो कि मेरे काले बालों का क्या राज है, तो यही राज मैंने आज यहाँ पे शेयर किया है। ये वंदना भारद्वाज चैनल पे अपलोड किया है, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है, मतलब आपको केमिकल वाली हेयर डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा यहाँ पर शानू मिठू और उनके दोस्तों के लिए मैं ये लगा रही थी खाना। ये देखो कितनी धुंध पड़ी हुई है, काला काला सब कुछ, काला बादल भी। वो देखो कितने खतरनाक मौसम बन चुका है, शाम के 7:30 हो गए हैं, धुंध पड़ी हुई है, अंधेरा ही अंधेरा। ये देखो पड़ेगा, ये देखो बादल भी गरज रहे हैं, बस बारिश पड़ने वाली ऐसा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बन रहा है जी डिनर। डिनर में आज हम लोग बना रहे हैं आलू की सब्ज़ी। कोई भी ऑप्शन नहीं थी और बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश पड़ रही है, इसीलिए फिर घर में जो मौजूद था तो आलू मौजूद थे, और आलू के साथ फिर ये चपाती आटा गूंद लिया है मैंने। जब तक ये सब्ज़ी बनेगी तब तक फिर साइड में मैं चपाती भी बनाती चलूँगी। और बाहर ना बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, ये देख सकते हो आप, अंधेरा ही अंधेरा, बारिश बड़ी जोरों से पड़ी हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बाहर अंधेरा हो चुका है। पहले तो मैं लाइट जला लेता हूँ इधर की फ्रंट की, मैंने जलाई नहीं थी ये। और उसके बाद ये देखो बारिश लगी हुई है, ठीक ठाक बारिश लगी हुई है। सामने का मौसम है ये, मतलब कि अभी टाइमिंग शायद में भी कितना हुआ है, 8:10 है और सबकी लाइटें जली हैं और बारिश ठीक ठाक लगी हुई है। अब हम देखते हैं कि वंदना क्या कर रही है, और बच्चे ये आ गई हमारी शानवी। शानवी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा फ़ोन के पीछे पड़े हैं आजकल, बस इनका काम क्या है, जो इनके फ्रेंड है बस फ़ोन पे उन्होंने व्हाट्सएप कॉल करनी है या तो बात करनी है। और मिट्टू को भी देखते हैं, कहाँ है मिट्टू राजा अपना। मिट्टू ये देखो ये क्या कर रहा है, मिट्टू क्या कर रहे हो बेटे, बेटे इनको मत लेना, ये मम्मा के हैं, मत लेना बेटे इनको, मत लेना। पढ़ाई कर ली है आपने? चलो तो चलो अब देखते हैं वंदना क्या कर रही है। वो शायद मेरी किचन में हो है, खाना बना रही है वो, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा सा आ गया था तो। और मेरे ना क्या नाम स्लैब को ठीक पानी मिल रहा है, और ये बना रही है यहाँ पे खाना, ये देख सकते हो। और आज खाने में बन रही है चपाती प्लस आलू की सब्जी, पहाड़ी आलू की सब्जी है। पहाड़ी की रुचि है, मैं तो पहाड़ी बन रहे हो। एक्चुअली आज कोई भी सब्जी नहीं थी ना, तो घबरा गया था मैं, इसको रख दे रही हूँ, तो आज के लिए आलू की सब्जी बनाई जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है, आलू की सब्जी खाने की, आलू तो वैसे मेरे फेवरेट है। क्या हुआ, बस अब आज छेड़नी कुछ नहीं किया। क्या किया, कुछ नहीं किया, मेरे को नहीं मारा नंदी ने बीपी। खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया। अच्छा
हम लोग अभी उठे थे, उसने नंदू को खाना खिलाया, उससे हाथ भी लगाया। हाँ। और हमारी शान्नू महारानी भी आ रही है उठ के। हो गई सुबह, ब्याग हो ही गया। हुई गया रे ब्याग, हुई गया। अच्छा 6 बजे उठती है ये सुबह के? अभी 6 बज रहे हैं क्या सुबह के? देख जरा मौसम की तरफ। 8 बज रहे हैं बजे। हाँ जी हाँ जी। और ये बोल रही है 6 बज रही है। मिट्टू से पूछिए इसने क्या क्या काम कर दिया अब तक। मिट्टू क्या क्या काम किया इसने? मम्मा की मदद कर दी और नंदू को खाना भी दे दिया। चाट लिया? हाँ। आज साफ करके आओ चलो दोनों। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। मुझे यार एक्चुअली एक बात बताऊँ मैं आपको ना, माई गॉड, रात की बात बताता हूँ। कम से कम 4 बजे मुझे इतनी तेज बुखार आया ना, इतनी ज़्यादा ठंड लगो कंबल में, मैंने सबसे फैन ऑफ किया और इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा सर में दर्द, पीठ में, और फीवर बहुत ज़ोरों से, बहुत मुश्किल से सुबह तक सोया आराम है। अभी दर्द थी, अभी गले में दर्द है। फिर मैंने एक कोल्ड और कफ की एक टैबलेट पड़ी हुई थी वो खाई, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। बहुत ज़्यादा सर में दर्द लगी हुई है, अचानक से ही हो गया। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। कहाँ जा रहे हो? मंदिर। कहाँ जा रहे हो? मंडे का दिन है और मेरा है फास्ट, तो मैंने इनको बोला कि चलो मंदिर जाके आते हैं। कामकाज की वजह से ना इस वाले सावन के किसी भी सोमवार में मैं मंदिर नहीं जा पाई, तो मैं क्या चलो भी चलते हैं, आपका भी मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, बाहर की हवा पानी लो, और बच्चों ने तो स्पेशली बाहर का हवा पानी लिया नहीं है कई दिनों से, तो फिर मैं क्या जाके आते हैं मंदिर। देख लो अगर तबीयत खराब है तो मैं नहीं जाके आऊँगी, तुम लोग यहाँ रेस्ट करो सारे। नहीं चल पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पहुँच जाएंगे। चलो चलो जाके आते हैं मंदिर। पैदल चल के होती है ठीक है? पैदल चल के होती है तब ये सियाणी अम्मा। सियाणी अम्मा? ये सियाणा जबरा है, ये जबरा है, सियाणा जबरा है। चलो 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 अभी चलते हैं, अभी गए मंदिर में ही मिलते हैं। नो का मतलब अभी कुछ भी नहीं। मंडारा लग रहा है। हाथ ना लगाओ मिट्टू, हट मिट मत कर।
अभी चलते हैं हम छत के ऊपर, देख नहीं नीचे ऊपर किस नहीं आना है, अभी देखते हैं कि कैरों में पानी भरा है कि सूख तो नहीं गए हैं, क्योंकि आज दिन में बारिश नहीं हुई थी, सुबह मैंने चेक किया था ना उस टाइम तो भरे हुए थे, और शायद अगर भरे नहीं होंगे तो भी थोड़ा बहुत पानी डालना पड़ेगा मुझे। ये दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर ऊपर, और ये ऊपर ओ भरे हैं कैरे, कैरे भी भरे हैं पानी से, ये देख सकते हो पानी देने की जरूरत ही नहीं है, सब भरे पड़े हैं कैरे। और आज ना धूप काफ़ी लगी हुई है, ये देख सकते हो मौसम काफ़ी साफ है, तो बारिश लग रहा है मुझे बारिश नहीं होगी आज, पर कोई भरोसा नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद मौसम बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। चलो मैं देख के आता हूँ कि कैरों में पानी है कि नहीं, यानी तो मुझे पानी डालना पड़ेगा टंकी से। ऊपर मत आना शान्वी प्लीज़ बेटे, नहीं नहीं कोई बात नहीं है पानी। यहाँ पर पतिदेव सोए ही हैं अभी तक, क्योंकि इनकी तबीयत हो गई है कल से खराब। उठा वाला है, अरे पीछे रह मेरे से, थोड़ा पीछे हो जा। कहाँ फीवर आया हुआ, ठंड लग रही, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा ना, मुझे लगता है कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि फीवर बहुत जोरों से आ गया, ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि रजाई उड़ने का दिल कर रहा है, खांसी गला जाम हो गया, सर में दर्द बहुत ज्यादा हो गई है। रजाई लाऊं? हाँ रजाई लिया। तो दवाई खा लेने रही? दवाई तो खा ली थी ना, पर उससे फर्क नहीं पड़ा। चलो नहीं चेक कराइए हॉस्पिटल। वायरा भी थोड़ी देर सोने थे मुझे ना, बुरी हालत हो गई।